नमस्कार, आपका स्वागत है। हम बात करेंगे पिपरिया विधानसभा की, पिपरिया की, जहां हमने पिपरिया में कई आंदोलन देखे, कई प्रकार से राजनीतियां देखी, हमने सड़कों पर लोगों को उतरते हुए भी देखा तो कहीं लोगों को जश्न मनाते भी देखा। हमने पिपरिया में देखा कि यहां के समाज से भी यहां के जनप्रतिनिधि जो हैं वो पिपरिया के निर्माण की बात करते हैं, पिपरिया के विकास की बात करते हैं। यहाँ पे अक्सर हमने नई नई चीज़ें देखने की बात देखा है, जहाँ पिपरिया में हम एक ऐसी मंडी देखते हैं जो पिपरिया में मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर आती है, जो एक बहुत बड़ी मंडी है, जहाँ लगभग एक वर्ष में 100 अरब का बिजनेस हो जाता है, ऐसी मंडी यहाँ पर मौजूद है। और जहाँ हिल स्टेशन की बात करी जाए तो पचमढ़ी जैसे हिल स्टेशन यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ से देश विदेशों से पर्यटक मौजूद होते हैं। तो हम बात करेंगे पिपरिया विधानसभा की। मेरे साथ आज खास मेहमान मौजूद हैं, हरीश गोस्वामी। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे विशेष कार्यक्रम विधानसभा में, जहां हम चर्चा करते हैं पिपरिया के निर्माण की, पिपरिया के विकास की, पिपरिया विधानसभा में जनप्रतिनिधि की, यहां के मुद्दों की हम चर्चा करेंगे, यहां के विषयों पर। तो मेरा आपसे पहला एक सवाल होगा कि पिपरिया जिला की आपने एक जो आधारशिला रखी, जहाँ जिसकी आपने शुरुआत की, पिपरिया जिला बनाओ की जो आधारशिला रखी आपने, जो पूरा एक आंदोलन कुछ महीनों पहले जो चला, वो कहीं ना कहीं नहीं, सीधी सी बात है कि आपके माध्यम से, जिसके सूत्राधार आप थे, जिसकी जड़ आप थे, आपके माध्यम से ये सब कुछ चालू हुआ था। तो कैसे आपने इसकी शुरुआत की? देखिए, शुरुआत कह सकते हैं कि मेरे माध्यम से हुआ, पर इसमें इसकी जड़ मैं था या इसका अकेला मैं सूत्राधार था, ये कहना कहीं ना कहीं उचित नहीं होगा, क्योंकि इसमें कई ऐसे लोग शामिल हुए, वो हर आयु वर्ग के, हर विचारधारा के लोग इसमें साथ आए और सबने मिलकर ये मुहिम शुरू की। पहला जो हमने आंदोलन शुरू किया था, क्योंकि हमारे ध्यान में ये है कि ये 2003 में भी एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें उसका अभी भी हमारे पास आमंत्रण पत्र रखा हुआ है। 2003 में एक बैठक बुलाई गई थी कि पिपरिया को जिला बनाने के लिए एक बैठक, जिसका एक जैसे हम शादी के लिए कार्ड छपा था, उस तरीके से आमंत्रण एक कार्ड छपा हुआ है। 2003 में स्वर्गीय नारायण दास जी मौर्य और उसके बाद 2016-17 में स्वर्गीय असीम मौर्य जी, इन लोगों ने खूब अपने स्तर पर प्रयास किए और उसका कुछ ना कुछ असर रहा, क्योंकि अगर इन्होंने प्रयास नहीं किए होते तो आज शायद ये मुहिम इतनी मजबूती से ना चल पाती आज, क्योंकि शुरुआत जो हमने की थी वो तहसील परिसर में एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ से हमने हनुमान चालीसा का पाठ करके इस मुहिम की शुरुआत की थी। और उसके बैकग्राउंड में हमारे मन में ये भी था, क्योंकि 5 अगस्त वो जो डेट थी जिस दिन हमने पहली बैठक की थी, 5 अगस्त को ही राम मंदिर की स्थापना भी हुई थी, क्योंकि कई ऐसे बड़े काम हैं जो 5 अगस्त को जिनकी आधारशिला रखी गई है पिछले कुछ सालों में। उस बात को ध्यान में रखकर वहाँ से जो पहली बैठक हुई, उसके बाद मंदिर से मंदिर ये सिलसिला चलता रहा। फिर उसे अगले चरण में, क्योंकि अब मंदिर से ऊपर उठना था तो और लोगों को जोड़ना था, पिपरिया से बाहर जैसे बनखेड़ी है, मटकुली, पचमढ़ी, सांडिया, अपने सोहागपुर, शोभापुर तक के लोगों को इससे जोड़ना था, तो हमने एक मंच पर, मुख्य चौराहे पर एक मंच लगा के उस पर क्रमिक भूख हड़ताल का आयोजन किया, जिसमें कई लोगों ने, हर प्रकार के लोगों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने, सबने, बुजुर्गों ने, सबने इसमें हिस्सेदारी की। कितने दिनों तक चला ये आपका आंदोलन? ये 26 दिनों तक भूख हड़ताल चली है और पूरे आंदोलन को लगभग 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं। जैसा कि हमने काफ़ी लोगों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि इसकी जो शुरुआत थी कहीं ना कहीं वो आपके द्वारा की गई थी, कहीं से शुरुआत की आपकी, कहाँ से विचार आया। अच्छा, उससे पहले मेरा ये सवाल होगा कि जो पहले भी काफ़ी लोगों ने, जैसे कि आपने नाम लिए मौर्य जी के, इससे पहले भी काफ़ी लोगों ने, चाहे वो किसी भी पार्टी दल के हों या समाज से भी हों, सभी ने पिपरिया जिला बनाओ का अभियान कहीं ना कहीं छेड़ा या उन्होंने इस विषय पर काम किया, तो उन लोगों से आप कैसे प्रेरित हुए, कहाँ तक आप, किस विषय को आपने पढ़ा या जाना? देखिए, मैं ये जानता था कि स्वर्गीय असीम मौर्य जी ने इसकी शुरुआत की थी, उन्होंने हस्ताक्षर अभियान चलाए थे, उन्होंने सारे वकीलों को इकट्ठा किया, सारे समाज सेवियों को इकट्ठा किया, कई ऐसे लोगों को उन्होंने एक जगह पर समाहित किया और हस्ताक्षर अभियान, टॉक शो करके, इस तरीके से उन्होंने कई अनोखी चीज़ें की, तो उसकी मुझे जानकारी थी। उससे पहले फिर जब हम आंदोलन में शामिल हो गए तो कई लोगों ने आते गए, बताते गए कि इन्होंने ये किया था, उस तरीके से मुझे जानकारी मिली कि किसका क्या योगदान रहा। और सभी जिसने भी ये पहले प्रयास किए हैं वो सभी हमारे लिए, मेरे लिए, सबके लिए प्रेरणादायी है। जिला बनाओ क्यों? आखिर जिला बनने से पिपरिया का ऐसा कौन सा विकास होगा? पिपरिया का देखिए बहुत बड़ा विकास होगा, क्योंकि
पिपरिया एक इतनी बड़ी बस्ती हो चुकी है, लगभग 2 लाख के आसपास इसकी आबादी, सिर्फ पिपरिया की आबादी हो चुकी है, क्योंकि नगर पालिका और ग्राम पंचायत आप कब सीमा पार कर लेते हैं आपको समझ भी नहीं आता हो। आप यहाँ से जाएंगे, अभी आप जिस जगह पर बैठे हूँ यहाँ से आप दूसरी जगह जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब ग्राम पंचायत से नगर पालिका के क्षेत्र में एंटर हो चुके हैं। तो अगर जिला बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, क्योंकि ये पिपरिया को एक ऊपर का दर्जा देने का जो भी कार्रवाई है वो काफ़ी समय से रुकी हुई है। लोग हतवास ग्राम पंचायत से लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें नगर पालिका में जोड़ा जाए, बीजनवाड़ा ग्राम पंचायत से लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें नगर पालिका में जोड़ा जाए, लेकिन वो प्रक्रिया अभी तक रुकी हुई है। अब उसका कारण जो भी रहा हो, पर मैं समझता हूँ कि अगर जिला बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसमें ये सारी चीज़ें भी साथ साथ हो जाएंगी। अच्छा, मैं आपको बीच में रोकना चाहता हूँ कि कलेक्टर और SP के और पूरा जिला जो कार्यालय यहाँ पे, जिला कार्यालय जो भी हैं वो सब यहाँ पे मौजूद होंगे, तो उनका यहाँ पे मौजूद रहने से ही विकास होगा क्या, मतलब पिपरिया का वृद्धि होगी या उसका निर्माण होगा क्या? नहीं, देखिए, कलेक्टर और SP के रहने से विकास नहीं होता। कलेक्टर और SP के रहने से जो विकास कार्य होने हैं उनमें नियमितता आती है, उनमें भ्रष्टाचार के जो मायने होते हैं वो या तो ख़त्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, कार्यों में सुधार आता है, कई जो गरीब लोग हैं उनके जिनके अधिकार नहीं मिल पाते उनके अधिकारों पर चर्चा होती है। कलेक्टर और SP के आने से कानून व्यवस्था सुधरती है। अगर यहाँ पिपरिया में SP होंगे, SP साहब यहाँ बैठेंगे, तो बनखेड़ी का कोई भी व्यक्ति जो अभी SDOP लेवल पर शिकायत करने आते हैं वो SP के पास आएंगे, उनकी शिकायत और बड़े रूप में सुनी जाएगी और गंभीरता से उस पर काम किया जाएगा। पुलिस अमला बढ़ेगा, प्रशासनिक अमला बढ़ेगा, जिला अस्पताल होगा तो वहाँ डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी, इस तरीके की कई ऐसी छोटी छोटी सुविधाएं हैं। शिक्षा विभाग यहाँ पर, जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ पर होगा, तो जैसे पास के ग्रामों में जो सरकारी स्कूल हैं उन स्कूलों में जो अनियमितता है उन पर कहीं ना कहीं विचार होगा। भले ही मैं नहीं कहता कि 100% जड़ से ख़त्म हो जाए, पर कुछ सुधार तो होगा। अच्छा, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे एक छोटा सा सवाल बीच में डालूंगा मैं कि SP के यहाँ बैठने से जो अपराध हैं, क्राइम है, वो कम होगा, तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे क्राइम है? क्राइम हर जगह होता है, क्राइम ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ पर अपराध नहीं है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो, किसी भी तरीके से हो, अपराध तो हर जगह है। तो उनके रहने से कहीं ना कहीं एक डर पैदा हो जाएगा? उनके रहने से कहीं ना कहीं एक डर पैदा हो, ये सही बात है। और ऐसा नहीं है कि अभी जो अधिकारी हैं उन वो सक्षम नहीं है, वो भी सक्षम है, उनके स्तर पर वो जितना प्रयास कर रहे हैं उससे काफ़ी हद तक सुधार है, पर एक और बड़ा अधिकारी आएगा तो और ज़्यादा सुधार होगा और हर व्यक्ति को सुधार की तरफ बढ़ना चाहिए। तो जैसे कलेक्टर और SP की आप बात कर रहे हैं या जिला प्रशासन की बात कर रहे हैं कि जिला प्रशासन यहाँ पे मौजूद रहेगा तो काफ़ी चीज़ें होंगी, तो यहाँ पे जो वर्तमान में प्रशासन मौजूद है, वर्तमान में जो प्रशासन है, हम SDOP की बात करते हैं, हम 2 TI हैं यहाँ पर, एक TI बनखेड़ी में मौजूद हैं, वहीं हम पचमढ़ी की बात करते हैं तो वहाँ पे भी पुलिस मामला मौजूद है, SDM यहाँ पर मौजूद है, तो क्या ये लोग काम नहीं कर रहे हैं? क्या इनकी जो कार्यप्रणाली उस पर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं इनकी कार्यप्रणाली का बहुत सराहना करता हूँ, ये बहुत अच्छे से अपना दायित्व तो निभा रहे हैं, जो SDM साहब हैं, SDOP मैडम हैं, काफ़ी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं जितने भी, क्योंकि पिपरिया में एक मंगलवाड़ा थाना है, एक स्टेशन रोड थाना है, पिपरिया नगर में 2 थाने, फिर एक पचमढ़ी में है, एक बनखेड़ी में, लेकिन इन चारों थानों का जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है SDOP वो पिपरिया से ही शासित होते हैं, उनका रेगुलेशन पिपरिया से होता है, और फिर इन जितनी भी बड़ी बड़ी जगह हैं, जैसे बनखेड़ी एक बड़ी जगह है, पचमढ़ी एक अच्छी खासी जगह है, मटकुली है, सांडिया, उमरदा, ये जितनी भी जगह हैं, यहाँ SDM का जो रोल है सिर्फ पिपरिया में, उन सब मतलब अगर SDM का काम है तो उन्हें पिपरिया आना पड़ता है, सिर्फ एक SDM के अंडर में इतनी सारी जनसंख्या, वो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं एक समस्या का विषय है। जैसे आप यहाँ पर जिला की बात कर रहे हैं, जिला प्रशासन यहाँ पे मौजूद रहेगा, तो क्या यहाँ पे जो सुविधाएं हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि यदि यहाँ पे जो जिला हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हैं, क्राइम की आप बात कर रहे हैं, आप राजस्व की बात कर रहे हैं, SDM की बात कर रहे हैं, तहसील की बात कर रहे हैं, जनपद की XYZ जितने भी विभाग हैं सबकी आप बात कर रहे हैं, तो क्या इन विभागों में जैसे अस्पताल में सुविधाएं दे दी जाएं, यहाँ पर पुलिस का जो स्टाफ है उसमें वृद्धि कर दी जाए, या अन्य विभागों में जो कमियां हैं उनको ठीक कर दिया जाए, मतलब सुविधाएं बढ़ जाएं तो क्या वो सही ठीक नहीं होगा? बहुत अच्छी बात होगी सुविधाएं बढ़ जाती हैं तो, लेकिन आप तहसील में रहकर तहसील की जो शासन द्वारा अधिकृत जो संख्या है उससे ज़्यादा तो आप नहीं कर सकते ना,
उसके लिए आपको तहसील को अपग्रेड करके जिला का दर्जा देना पड़ेगा, और जिले का दर्जा मिलता है तो और बड़े अधिकारी होंगे, छोटे भी रहेंगे बड़े भी रहेंगे, पुलिस की संख्या भी बहुत अत्यधिक रूप से बढ़ेगी, डॉक्टरों की संख्या अभी जैसे पिपरिया का जो शासकीय अस्पताल है उसमें 3 मेन डॉक्टर हैं, जिसमें एक हेड जो BMO है कटकवार मैडम। इस तरीके से अगर जिला अस्पताल होता है तो उसमें हर एक विभाग का, जितने विभाग होते हैं, अब मैं सब विभाग के नाम नहीं पता, और जितने विभाग हैं उनका एक अलग से स्पेशलिस्ट होगा। नहीं तो ये मान के चलो जैसे हम बात कर रहे हैं कि इसे ही सिविल अस्पताल बना दिया जाए और बड़ा अस्पताल बना दिया जाए, यहीं पे सारे डॉक्टर्स की सुविधा दे दी जाए, पर यह एक बहुत बड़ी मंडी है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जैसे 2 TI हैं और 1 SDOP है, इतने सारा पुलिस हमला है और इतना सारा प्रशासन है, कहीं ना कहीं अगर ये सुविधाओं को बढ़ा दिया जाए तो क्या ये जिला वाला विषय खत्म नहीं हो जाएगा? देखिए, अगर सुविधाओं को बढ़ा देते हैं तो वो स्वागत योग्य, उसका स्वागत है, लेकिन अगर उन सुविधाओं के बढ़ने से अनियमितताएं बढ़ेंगी तो उसके लिए हमें फिर नर्मदापुरम जाना होगा, उसकी शिकायत लेके हम किसके पास जाएंगे? तो SDM से शिकायत करने पर समाधान नहीं, संभव नहीं है मतलब? देखिए, स्वास्थ्य से संबंधित जो शिकायत है वो स्वास्थ्य अधिकारी को ही की जाएगी, स्वास्थ्य अधिकारी जिले में उपस्थित होते हैं। अगर पिपरिया जिला होगा, स्वास्थ्य अधिकारी अस्पताल, यहाँ अस्पताल है, बाजू में स्वास्थ्य अधिकारी का कार्यालय, यहाँ कोई समस्या है बाजू में जाकर तुरंत शिकायत कीजिए, तुरंत उसका निराकरण होगा। वो जो आप कह रहे हैं कि सुविधाएं बढ़ जाएं, तो उससे 1000 गुना बेहतर ये है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है वो खुद वहाँ पर बैठे, ये भी संभव है। अच्छा, हम बात करेंगे कि अगर जिला बन जाता है तो ऐसा कौन सा खास काम यहाँ पे हो जाएगा? क्या यहाँ पे ज़्यादा रोज़गार मिल जाएगा? क्या किसानों को फ़ायदा हो जाएगा? क्या विद्यार्थियों को फ़ायदा हो जाएगा? आम जनता को ऐसा कौन सा विशेष काम हो जाएगा जो कि होशंगाबाद को प्राप्त है, जो वहाँ पे अगर ऐसी कौन सी सुविधा मिल रही है जो यहाँ पे नहीं मिल पा रही है? देखिए, खास फ़ायदा जैसे आपने पहले कहा कि विद्यार्थियों को क्या फ़ायदा होगा, किसानों को क्या, विद्यार्थियों को ये फ़ायदा होगा कि विद्यार्थियों में एक शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी होते हैं, खेल के क्षेत्र में विद्यार्थी होते हैं, और भी अन्य जो भी उनकी रुचि होती है। शिक्षा अधिकारी भी यहाँ पर होगा, जो सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में जो भी अनियमितताएं होती हैं उनके लिए आपको, क्योंकि अधिकारी यहाँ पर होगा तो आपकी उस अधिकारी के बैठने के कारण आपकी जागरूकता बढ़ेगी कि ये अधिकारी का दायित्व क्या है। आप कोई भी छोटी सी अनियमितता देखेंगे, आप तुरंत उस अधिकारी के पास जाकर शिकायत करेंगे और वो अनियमितता जो है वो सुधर जाएगी, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, कैसा भी स्कूल हो। और जिला खेल अधिकारी यहाँ पर बैठेगा तो यहाँ पर अवश्य, स्वाभाविक सी बात है, एक खेल मैदान अलग से आवंटित किया जाएगा। खेल प्रतिभाएं क्योंकि यहाँ पर हैं काफ़ी, यहाँ पे बहुत लोकल टैलेंट बहुत है, लोग बड़े स्तर पर जाते हैं खेलते हैं, पर उनको मैं सोचता हूँ कि और बड़ा और अच्छा अवसर मिलेगा तो वो और ज़्यादा बड़े रूप में अपनी प्रतिभा दिखा पाएंगे। हाँ, जैसे आपने बताया कि जब छात्रों के लिए ये है तो किसानों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। मेरा अगला प्रश्न होगा आपसे कि जिला बनाओ अभियान के तहत जो 26 दिन तक आपका एक आंदोलन चला, भूख हड़ताल चली है अनिश्चितकालीन, जो एक लंबे समय तक चला, इसको, इस पर एक आरोप लगा निरंतर कि ये चुनाव के दौरान है, एक चुनावी स्टंट है। देखिए, उससे पहले एक प्रश्न, आप किस दल को समर्थन करते हैं? मैं किसी भी दल का समर्थन नहीं करता हूँ। मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी दल का विरोध करता हूँ, ना मैं किसी दल का समर्थन करता हूँ, ना मैं किसी दल का विरोध करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ जहाँ मैं रहता हूँ, पिपरिया मेरी जन्मभूमि, ये पूरा क्षेत्र पिपरिया सोहागपुर, क्योंकि बचपन से यहीं मैं पला बड़ा हूँ, तो इस क्षेत्र से मेरा एक, स्वाभाविक सी बात है, मेरा एक जुड़ाव है, भावनात्मक जुड़ाव है। मेरे प्रश्न का जब मैंने फिर से प्रश्न दोहरा देता हूँ कि आपकी जो मंच, जो 26 दिन तक आपका आंदोलन चला, इसको राजनीतिक मंच कहा गया, कहीं ना कहीं चुनावी स्टंट कहा गया कि एक चुनाव के दौरान केवल सत्ता को घेरने का एक प्लान है। देखिए, इस मंच पर सत्ता पक्ष भी आकर बैठा है, विपक्ष भी आकर बैठा है, मतलब लगभग सारी पार्टियां, चाहे वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो या एक नई पार्टी अभी उसी दल से टूटकर एक नई पार्टी बनी, वो हर पार्टी का यहाँ पर समर्थन प्राप्त हुआ है, हर संगठन का यहाँ समर्थन प्राप्त हुआ है। जो बजरंग दल है, बजरंग सेना है, इस प्रकार के जो धार्मिक संगठन है या समाजसेवी संगठन है, सबका हमें समर्थन प्राप्त हुआ है। तो इसमें हम, अगर कोई अगर ये कहता है कि ये राजनीति से प्रेरित है तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना परंतु आरोप ये भी लगा आपके विरोधियों, जो कहीं ना कहीं आपके विरोध में थे, कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे, उन्होंने ये कहा कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक मंच बन गया था, कांग्रेस का एक मंच बन गया है, कांग्रेस इस मंच के बहाने जो सत्ता पक्ष उसको घेरने का एक प्लान तैयार कर रही है। देखिए,
मैं सोचता हूं कि एक बार मैंने पहले भी फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी थी कि अगर कांग्रेस उस मंच पर बैठ रही, कांग्रेस अकेली तो नहीं है जो उस मंच पर बैठ रही, उस पर भाजपा भी बैठ रही है, उस पर आम आदमी पार्टी बैठ रही है, उस पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बैठ रही है और जो अन्य जो भी पार्टियां हैं वो सब वहां पर आकर बैठ रही हैं। अब ये आपको देखना है या अपने स्वार्थ के हिसाब से आप उसे उसे कलंकित कर सकते हैं, उस पर लांछन लगा सकते हैं, पर वास्तविकता उससे नहीं बदलेगी। वास्तविकता ये है कि हम सिर्फ पिपरिया के लिए वहाँ पर बैठे थे। वहाँ पर जितने भी लोग आए, जिस भी दल से आए, वो सिर्फ पिपरिया के इस क्षेत्र के नागरिक बनकर आए। लोग यहाँ से बनखेड़ी से भी लोग आए जो इस विधानसभा के नहीं हैं, वो भी शोभापुर सुहागपुर से भी लोग आए। अब उनसे भी ये कहेंगे कि ये कांग्रेस का मंच है। मैं अगला प्रश्न रखने से पहले दर्शकों से कहूँगा कि दर्शकों से मेरा एक निवेदन है कि अपने प्रश्नों को कमेंट में ज़रूर डालें। हम पुनः हमारे मेहमान हरीश गोस्वामी जी को बुलाएंगे और आपके प्रश्न जो हैं उनका सीधा जवाब जी से हम लेंगे। आपसे निवेदन है कि अपने प्रश्न जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मैं अगला प्रश्न आपसे करना चाहता हूं कि आप बैकग्राउंड में रहे, जहां हमें जानकारी है कि ये पूरा जो 25 दिन 26 दिन का कार्यक्रम रहा, इससे पहले जो मंदिर की आपने बात करी, मसाल यात्रा की बात करी, तो ये पूरा आपने कार्यक्रम जो तैयार किया अपनी टीम के साथ, जैसा कि आपने बताया कि ये केवल मेरा नहीं था, बस मैंने तो विचार बनाया था और लोगों के बीच में रखा और लोग आपसे जुड़े, तो आप पीछे रहे, आप दिखाई नहीं दिए, मैन चेहरा आपका नहीं रहा, रीज़न? ऐसा कोई क्योंकि चेहरा किसी का भी हो, हमारा उद्देश्य जो है वो सब प्रमुख है। उद्देश्य हमारा है पिपरिया को जिला बनाना। अब उसमें चेहरा किसी का भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी ठीक है। तो इस बार फिर मतदान किस दल को करेंगे आप? वो सर एक गोपनीय है, मैं अपना अधिकार है, मैं उसका प्रयोग करूँगा। मैं जानना चाहता था कि हर व्यक्ति आज की परिस्थिति में, आज के परिवेश में हम देख रहे हैं कि कोई ना हर व्यक्ति किसी ना किसी दल का समर्थक होता है, चाहे वो कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो या अभी आपने चर्चा की गोंडवाना का हो या जायस पार्टी जो कि निकल का आई, ऐसी किसी भी पार्टी का हो सकता है, सपा बसपा वगैरह वगैरह, आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर देख रहे हैं हम, तो आम आदमी पार्टी से तो यहाँ पर अभी कोई दावेदार भी नहीं है। तो ऑल ओवर आपके इस जिला बनाओ अभियान में जो विरोधियों ने आरोप लगाए वो भी आपने बड़े सहजता से उनके जवाब दिए, तो क्या आगे ये आंदोलन चलेगा? बिल्कुल चलेगा, जैसे ही नई सरकार बनेगी हम वहीं तुरंत वापस जैसे उठे थे वैसे ही वापस आ जाएंगे और 10 गुना ज़्यादा ताकत के साथ। तो क्या इस बार आपका चेहरा सामने होगा? देखिए, चेहरे का मैंने पहले भी कहा कि चेहरा किसी का भी हो, उद्देश्य प्रमुख है। उद्देश्य हमारा स्पष्ट है कि हमें पिपरिया को जिला बनाना है, उसमें चाहे आप बैठ जाइए, आपका चेहरा लगा देंगे हम। अच्छा, यहाँ से आपको मीडिया का भी काफ़ी सपोर्ट रहा? मीडिया के सभी, पिपरिया से हों या शोभापुर से हों, आसपास बनखेड़ी बरेली तक से लोगों ने बहुत समर्थन दिया और उनका एक विशेष रोल रहा है इस पूरे आंदोलन में, पूरे अभियान में मीडिया ने जो समर्थन दिया है, मुझे नहीं लगता कि शायद क्योंकि किसी भी विचारधारा के पत्रकार हों या किसी के भी समर्थक रहे हों, क्योंकि बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं वो सब इस मुद्दे के लिए एक साथ आए, कोई एक भी ऐसा नहीं रहा जिसने इसका विरोध किया हो या मतलब आपका कहना, ये सब बातें जो आपने कही उसका कहना शायद ये निकल रहा है कि आपने सत्ता के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए। नहीं, मैं सत्ता के ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि सत्ता जनता के हिसाब से चलती है, ना कि जनता सत्ता के हिसाब से चलती है। अगर जनता मांग करेगी और सत्ता को दिखेगा कि जनता एक जोरदार तरीके से मांग कर रही है, और जनता में मैं यहाँ के प्रतिनिधि को भी गिन रहा हूँ क्योंकि वो खुद भी वोट डालते हैं, अगर वो चाहेंगे जनता उनका पूरा साथ देगी, अगर जो भी प्रतिनिधि चुनकर आते हैं आगे, तो उनसे हमारी हमारा प्रयास यही है कि आंदोलन का प्रयास एक अगर मुख्य उद्देश्य तो ये था कि आचार संहिता लागू होने से पहले मुख्यमंत्री जी से जिला बना दें, लेकिन अगर नहीं बना है तो अब हमारा प्रयास ये है कि जो भी राजनीतिक दल या जो भी प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव जीतने की आशा रखते हैं, तो वो अपने लोकल मैनिफेस्टो में ये जरूर डालें कि हम पिपरिया को जिला बनाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, तो आपका धन्यवाद, आपने बखूबी हमारी जो जनता ने प्रश्न रखे थे, जो प्रश्न चर्चाओं में थे, उनके बखूबी आपने जवाब दिए, आपका धन्यवाद। और मैं दर्शकों से पुनः निवेदन करता हूँ कि अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और यदि आपको लगता है कि हरीश जी ने जो जवाब दिए हैं उनसे आप कितना ताल्लुक़ रखते हैं, कितना उनको सही मानते हैं, गलत मानते हैं, तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में डालें और निरंतर इस वीडियो को, खबर को शेयर ज़रूर करें।
धन्यवाद। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।